अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ क्लास 7 इंग्लिश बी। हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। उर्दू में पहचान है रहा है, रही है, रहे है। एफर्मेटिव सेंटेंस, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कंटिन्यू, जारी, वो फेल जो काम जारी है। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी का इजाफा किया जाता है प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो कि यूज़ होते हैं वो इज़, एम, आर हैं, और इज़, एम, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी, आई के साथ आर का इजाफा किया जाता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। आईएनजी का इजाफा हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। और ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमले में। हम इसकी एक्सरसाइजेज की तरफ आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस, आप लोगों ने तमाम सेंटेंसेस और इनके जो फॉर्मूलेज हैं इनको कॉपी पर राइट डाउन करना है। इसको नीटली राइट डाउन करें। पहला, इट इज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है। कुआं चल रहा है, पर्शियन व्हील इज वर्किंग, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। चूल्हे से धुआं उठ रहा है, स्मोक इज राइजिंग आउट ऑफ हर्ट। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी। आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं, यू आर सेइंग गुड बाय टू योर फ्रेंड। नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा होता है। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग मी योर एड्रेस। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशंस। गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा, द गवर्नर इज़ नॉट प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग। वो दयानदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। तुम मेरी राय पर नुकताचीनी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन। ये अपने अफसर, ये अफसर अपने फ्राइज से गफलत नहीं बरत रहा है, दिस ऑफिसर इज़ नॉट निगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज। मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं, द लेबर आर नॉट शिरकिंग वर्क। अगर हम इंटरोगेटिव में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम अपने सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। क्या चांद निकल रहा है, इज़ द मून अपेयरिंग। अगर इसको हम सिंपल सेंटेंस करते हैं, चांद निकल रहा है, द मून इज़ अपेयरिंग, हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट में लिया है। क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, आर द बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स एट द बसेस। क्या मजदूर मिट्टी खोद रहे हैं, आर द लेबर्स डिगिंग अर्थ। तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो, या क्यों दरमियान में। इंटरोगेटिव का रूल है, आप चाहे जो भी सेंटेंस करें अगर दरमियान में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप डब्ल्यू वाले क्वेश्चन मार्क वाले से स्टार्ट करेंगे, तब आप इसका सेंटेंस का रूल अप्लाई करेंगे। पहले हम डब्ल्यू वाले क्वेश्चन मार्क, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये तमाम यूज़ करेंगे। वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। क्या शेर, क्या बशीर साइकिल खरीद रहा है, इज़ बशीर बाइंग न्यू मोटरसाइकिल। औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं, वेयर आर द वुमेन वॉशिंग क्लॉथ। कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर शेयरिंग दिस बिजनेस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस द होल प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंसेज, इनकी प्रैक्टिस करें और इसको अपनी कॉपी के ऊपर कम्प्लीट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।